दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू हैप्पी पेट चैनल वंस अगेन। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा जो टिक और फ्ली का इन्फेस्टेशन होता है उसको पहले कैसे मैनेजमेंट के साथ हम लोग रोक सकते हैं। मतलब एक तो हो गया उसका, अगर टिक या फ्ली आपका पेट का शरीर में आ जाता है तो उसके लिए बहुत सारा दवाई है, बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं जिसके हिसाब से आप वो टिक और फ्ली का जो आक्रमण है, जो इन्फेस्टेशन है, उसको आप कम कर सकते हो। ये छोड़ के भी ऐसा सिचुएशन जब है, जब आइडियल सिचुएशन में आपका पेट का शरीर में टिक या फ्ली का संक्रमण नहीं है, इन्फेस्टेशन नहीं है, तो उसको कैसे रोका जाता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो इंडिया में या इंटरनेशनली अवेलेबल है, जिसको यूज करने से हम लोगों का पेट का शरीर में ये सब टिक और फ्ली का इन्फेस्टेशन बहुत हद तक, अराउंड 90% तक हम लोग रोक सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज बात करना चाहता हूँ किल्टिक्स कॉलर के बारे में। किल्टिक्स कॉलर इज अ प्रोडक्ट ऑफ बायर वेटरनरी केयर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस इज किल्टिक्स कॉलर। किल्टिक्स कॉलर इज अ वेरी वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर टिक एंड फ्ली मैनेजमेंट, उसको रोकने के लिए कैसे काम करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये पैकेज अंदर आप जब खरीदोगे उसके अंदर क्या रहता है। उसके अंदर एक मेडिकेटेड केमिकली ट्रीटेड कॉलर रहता है। ये कॉलर जो है ये पूरा ओपन रहता है, इसको आप खोल के फिर डॉग का जो गला है, जो नेक है, उसके अंदर जैसे आप लीज डालते हो, जो कॉलर डालते हो, एडिशनली ये कॉलर डाल के इसको, इसका जो क्लिप है इसी के साथ एडजस्ट किया जाता है, एंड देन जो रेस्ट ऑफ द एडिशनल लेंथ है उसको आप काट के फेंक दीजिए। तो दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोल टिक एंड फ्ली टू योर पेट। तो दोस्तों इसको यूज करने के लिए कुछ तरीका है, कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है सिंस इट्स अ टॉक्सिक केमिकल्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो किल्टिक्स अब जब खरीदेंगे तो उसको जब मैनेजमेंट करना है, उसको जब आप हैंडल कीजिएगा, बहुत केयर के साथ हैंडल कीजिए। जितना भी बार आप उसको हाथ में लगाओगे तो उसका कंटामिनेशन आपका स्किन के ऊपर आएगा, तो उसके कारण वो हैंडल करने के बाद आपको वॉश करना पड़ेगा हैंड विद जर्मिसाइडल और जो भी हैंड रब्स आपका घर में उपलब्ध है उसके साथ उसको क्लीन कर लीजिएगा। उसको टच करने के बाद कभी भी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट्स, नॉन फूड प्रोडक्ट्स या कोई तरह का गारमेंट्स जिसमें से आपका जो फूड्स है उसमें कॉन्टामिनेशन हो सकता है उसको रोकना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। नाउ आफ्टर प्रिकॉशंस आप इसको इस्तेमाल करके इसको आपका जो डॉग का नेक है उसमें लगा दिया। इसका इफेक्टिवनेस क्या है, ये कैसे काम करता है, जैसे आप एवरीडे यू टेक अ पेट विद आउटसाइड ऑन ऑफ योर होम, जिसको लेके आप बाहर जाते हो थोड़ा घूमने के लिए, फिर दिस इज अ डेली रूटीन जिसका घर में भी पेट है, तो ये बाहर जब जाता है आप नोटिस करोगे डॉग्स का एक टेंडेंसी रहता है, दे विल स्मेल एवरीथिंग सराउंडेड बाय हिम, बिकॉज ज्यादातर क्या होता है वो सूखता हुआ चला जाता है, दे वॉन्टेड टू टेक अ फील ऑफ द नेचर, कहाँ जा रहा है उसके बारे में उसको जो उसका सेंसिंग टेंडेंसी है वो उस स्मेल से होता है। तो जैसे ही ये मुंह नीचे करता है तो नीचे से बहुत सारा पैरासाइट्स जो है, जैसे फ्ली हो गया, टिक हो गया, ये उसका जो स्किन के साथ जो बाल है उसको खींच लेता है, एंड आफ्टर दैट दे ट्रेवल टू देयर बॉडी। तो जैसे ही वो मुंह नीचे करेगा, अगर कोई टिक या फ्ली उसका बाल पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता थ्रू हीज और हर नेक वांटेड टू एंटर हिज बॉडी, दे विल टच एंड दे विल हैव टू क्रॉस दिस टिक कॉलर। जैसे ही वो टिक कॉलर के पास जाएगा दे विल डाई इंस्टेंटली एंड दे विल, जो उसका बाल से है वो नीचे गिर के मर जाएगा। तो इसका मैनेजमेंट ऐसा ही है, सिंस डॉग्स आर प्रोन टू स्मेलिंग, सो दैट्स व्हाई दिस बैंड और दिस कॉलर हैज बीन डिजाइन्ड सच अ वे दैट दे कैन किल दोस फ्ली एंड टिक्स। और दोस्तों ये जो किल्टिक्स कॉलर है इसका लाइफ भी बहुत ज्यादा है, इट कैन बी यूज्ड 6 to 7 months कंटिन्यूअसली। और एक चीज है दोस्तों, जब आप वॉशिंग के लिए उसका कोट वॉशिंग के लिए यूज करोगे शैम्पू वगैरह, तब इसको खोल के ऐसे जो प्लास्टिक्स दिया जाता है उसके अंदर रख लीजिए, उसको पूरा
शाइन के साथ, शैम्पू के साथ, कंडीशनर के साथ, जो भी आपको क्लीनिंग करना है या आप ग्रूमिंग को लेके जाते हो कभी कभी डॉग को आपका पार्लर में, तब इसको खोल के अलग अलग से रखना है। पूरा ग्रूमिंग हो जाने के बाद व्हेन हीज और हर कोट्स इज टोटली ड्राई, देन यू अगेन पुट दिस कॉलर टू योर डॉग्स नेक। इसके हिसाब से यू कैन कंट्रोल एट लीस्ट 90% ऑफ री इन्फेस्टेशन ऑफ टिक, फ्ली and any other parasites to your pet's body. Dosto, this is very much available in various pet shops and veterinary clinic. Do apply it, you will get a good results. Thank you so much for watching this channel.